माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डू चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10th, विच नेम इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वी हैड ऑलरेडी डन इट सम पार्ट्स, यू कैन चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर देयर लिंक्स। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कि लेंसेज के थ्रू इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम अंडरस्टूड करेंगे। ओके, तो इसको हमने क्या किया है, टू पार्ट्स में डिविजन किया है, जिसमें कि एक इमेज फॉर्मेशन किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, और दूसरा इमेज फॉर्मेशन किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव लेंस के बारे में। सो टुडे वी विल डू, आज हम क्या करने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, उसको हम अंडरस्टूड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ए पार्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट वन में जो है हम क्या करने वाले हैं, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो पार्ट है इसको डिस्कशन कर रहे हैं आज विद द हेल्प ऑफ टेबल एज वेल एज रे डायग्राम। ठीक है, टेबल की हेल्प से भी इसको समझेंगे और रे डायग्राम की हेल्प से भी इसको अंडरस्टूड करेंगे हम इस टेबल को, कि वो टेबल में जितनी भी चीजें लिखी है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहले अंडरस्टूड करें कि हमारा जो है टेबल क्या बताता है हमें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर ब्लॉक्स हैं, वन टू, फर्स्ट ब्लॉक जो है हमारा क्या शो कर रहा है, फर्स्ट ब्लॉक वो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड ब्लॉक हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज का पोजीशन कहाँ होगा। रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज इस थर्ड ब्लॉक, कि रिलेटिव मीन्स की डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे फ्रॉम द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से, कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या था और यहाँ पे इमेज का साइज क्या बनेगा। ठीक है, फोर्थ वन इज नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में हम देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और हम सपोज कर रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन। एट इन्फिनिटी रखा तो उसका जो है इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस एफ टू बनेगा, और उसका साइज क्या होगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ही स्मॉल साइज होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट साइज कहेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और बैक साइड में बनेगा किसके, लेंस के। ओके, और क्या है, बियॉन्ड टू एफ वन रखें अगर हम, तो क्या होगा, बियॉन्ड टू एफ वन अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो वहां पे ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू। ठीक है, और जो साइज होगा इमेज का वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड कहेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा इमेज विद रिस्पेक्ट टू, अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और जो इमेज की डायरेक्शन होगी दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के रिवर्स होंगे। ऑब्जेक्ट जो है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा जा रहा है, और जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ बनेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की, जो हमारा क्या है, एट टू एफ वन, अगर ऑब्जेक्ट को एट टू एफ वन फोकस वन पे रखा जाए, तो वहां पे रखने पे क्या होगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट का वो कहाँ बनेगा, वहां ये बनेगा टू एफ टू पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा और इमेज का जो साइज होगा वो दोनों क्या होंगे, एक सेम साइज शो करेंगे। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, इमेज जो है वो उल्टा बनेगा और रियल बनेगा। यहाँ पे रियल हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंस के बैक साइड में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करें बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन की, अगर ऑब्जेक्ट वहां पे रखा जाए बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन, तो उसका इमेज कहाँ ड्रॉन होगा, बियॉन्ड टू एफ टू, और इमेज जो कैसा बनेगा, एनलार्ज बनेगा, मीन्स बहुत बड़ा बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इसका जो नेचर की बात करेंगे इमेज की वो क्या होगी, रियल होगी, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। फोकस एफ वन, एफ वन पे अगर रखा जाए ऑब्जेक्ट को, तो वो जो इमेज है वो हम सपोज करेंगे कहां बन रही है, एट इन्फिनिटी पे बन रही है, इनफाइनाइटली लार्जर होगा, बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा, और हम उसको दूसरी चीज भी कह सकते हैं कि हाईली एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा इमेज होगा। रियल एंड इन्वर्टेड,
रियल एंड इन्वर्टेड होगा, उल्टा इमेज बनेगा और रियल इमेज बनेगा। बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर अगर रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, क्या बनेगा? इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा? सेम साइड में बनेगा, जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड में इमेज फॉर्मेशन होगा। और जो इमेज होगा वो क्या होगा? काफी एनलार्ज होगा, एनलार्ज बनेगा, बड़ा बनेगा एज कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ठीक है? वर्चुअल एंड इरेक्ट की बात कर रहे हैं, मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो सेम साइड में बन रहा है, मीन्स कि जो लेंस है लेंस के बैक साइड में ना बनके उसके इन फ्रंट ऑफ बन रहा है लेंस के, इसलिए हमने उसको क्या कहा? रियल कहा। यहाँ पे हम उसको वर्चुअल कह रहे हैं, बैक साइड में जब बन रहा था तो हम उसे क्या कह रहे थे? रियल कह रहे थे। बट यहाँ पे वर्चुअल हम क्यों कह रहे हैं इमेज को? क्योंकि वो क्या बनेगा? इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मीन्स कि जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी डायरेक्शन में इमेज फॉर्मेशन भी होगा, मीन्स कि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब हम इसको, हमने टेबल को अंडरस्टूड किया, अब हमें क्या करना है? रे डायग्राम्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, कि वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। बट उससे पहले हमें कुछ रूल्स अंडरस्टूड करने पड़ेंगे कि रे डायग्राम बनाने का, जो कॉन्वेक्स लेंस का जो रे डायग्राम बनाने का है उसमें क्या क्या रूल्स यूज किए जाते हैं, उसको सबसे पहले हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा। जैसे हमने मिरर के केस में कुछ रूल्स पढ़े थे जब हम मिरर में क्या कर रहे थे? रे डायग्राम को बना रहे थे, ठीक है? तो यहां पे भी हम क्या करेंगे? रूल्स फॉलो करेंगे। तो यहां पे देखते हैं क्या क्या रूल्स हैं। फर्स्ट जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा? ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये इसका क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर में से क्या हुआ? एक पास ऑन होती है लाइन, जो लाइन क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या बनता है? F1, F2 और इक्वी डिस्टेंस पे क्या बनेगा? 2F1 और यहां पे 2F2, जिसको हम C1 और C2 भी बोलते हैं, ठीक है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि ये क्या है? इसका जो स्फेरिकल सरफेस है वो क्या है? उठा हुआ है, जो हमने डिस्कशन किया था लेंस, जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे लेंस का इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है? तो यहां पे हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि अगर कोई रे क्या हो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आए और यहां पे पास ऑन हो इस लेंस में से, तो ये कहां पे जाएगी? रिफ्रैक्ट होके, उसकी हम बात करेंगे। तो उसके लिए हमने सपोज किया एक रे क्या हो रही है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारा ये है, उसके पैरेलल ही गई और इन द मिडल, जो जहां पर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है उसके मिडल तक जो है वो क्या करेगी? सेम पाथ को फॉलो करेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। बेंट को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारा क्या है? बेंट। बेंट ऑफ रेज ही हमारा क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो उसके बाद क्या हो जाएगी? बेंट हो जाएगी। किसमें से? फोकस में से। ठीक है, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा कौन सा रे हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है? फर्स्ट रूल है। अब सेकंड रूल की बात करेंगे कि सेकंड रूल में क्या होता है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस से हमने ये क्या किया? एक ऑप्टिकल सेंटर है ये हमारा, ये हमारा F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये हमारा 2F1, 2F2 जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 बोलते हैं। फिर यहां पे हम देखेंगे जो हमारा सेकंड रूल हमें क्या कहता है कि अगर कोई रे पास ऑन हो किसमें से? फोकस में से पास होके जाए, तो आफ्टर पास ऑन फ्रॉम द लेंस वो कहां रिफ्रैक्ट होगी?
उसकी बात करते हैं। क्या हो रही है हमारी एक रे जो है क्या हो रही है यहां से जो फोकस है फोकस में से होके जा रही है। तो फोकस में से होके जाने पर वो क्या करेगी सेम पाथ को यहां पे फॉलो कर रही है कहां तक इन द मिडल ऑफ द लेंस तक वो सेम पाथ को फॉलो करेगी और उसके बाद वो क्या हो जाएगी बेंट हो जाएगी क्या टूवर्ड दी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गई वो बेंट हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई यहां पे इंसिडेंट रे और यहां पे हमारी क्या बन रही है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है तो ये हमारे दो रूल हमने यहां पे पढ़े हैं। अब हम थर्ड रूल की बात करेंगे कि हमारा थर्ड रूल क्या होता है उसको अंडरस्टूड करते हैं। थर्ड रूल हमारा होता है कि ये हमारा जैसे कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया कॉन्वेक्स लेंस का और इसमें से क्या हो रही है एक प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है ये हमारा क्या है थर्ड रूल। और अब हम देखेंगे कि जो थर्ड रूल है इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा रे जो इंसिडेंट रे है अगर वो पास ऑन होती है किसमें से फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर तो क्या होता है। ठीक है हमने सपोज किया जो हमारा इंसिडेंट रे है वो क्या हो रही है पास ऑन हो रही है किसमें से ऑप्टिकल सेंटर में से तो वो रिफ्रैक्ट कैसे होगी वो सेम पाथ को ही फॉलो करेगी और उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो क्या हो जाएगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है तो ये इसके तीन रूल थे इमेज ड्रॉन करने के लिए कॉन्वेक्स जो हमारा लेंस है उसका इमेज कैसे ड्रॉन करेंगे उसके लिए हमें तीन रूल्स पढ़ने थे। ये थ्री रूल्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस टेबल क्या बनाएंगे रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है और देखेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। ओके रे डायग्राम तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है एट इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका जो पोजीशन बनेगा इमेज का वो कहां बनेगा फोकस एफ टू पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और यहां पे ये F1 हो गया ये 2F1 हो गया यहां पे F2 हुआ और ये 2F2 है यहां पे 2F1 को हम C1 लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड 2F2 पे और ये हमारा क्या है अपर्चर MN। ठीक है अब हम देखेंगे कि हम सपोज क्या कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है एट इन्फिनिटी रखा हुआ है तो एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो हम यहां पे डॉटेड लाइन से दिखाएंगे स्टार्टिंग में जो इंडिकेट करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कहां से आ रहा है इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है और उसके बाद देखेंगे कि ये जो हम सपोज क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल टू दी ऑब्जेक्ट का जो रेज आ रहा है इंसिडेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उससे क्या आ रहा है पैरेलली आ रहा है एट द मिडल ऑफ द लेंस जो है वो क्या करेगा पैरेलल आएगा सेम पाथ को फॉलो करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा वो बेंट हो जाएगा। बेंट कहां से होगा फ्रॉम दी फोकस एफ टू। ठीक है यहां से ये क्या हो गया बेंट हो गया। अब हम देखेंगे एक लाइन एक और रेज हम सपोज करेंगे
कि वो क्या रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है और पास ऑन हो रहा है लेंस से, लेंस के मिडिल तक वो सेम पाथ को फॉलो कर रहा है और उसके बाद वो क्या हो रहा है, फोकस में से होके जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये रिफ्रेक्टेड रे है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रेक्टेड रे। ठीक है, ऐसे ही यहां से हम सपोज करें कि यहां से हमारा एक पैरेलल रे गई है जो कि क्या हुई है, एट द मिडल तक तो सेम पाथ को फॉलो की है और उसके बाद क्या हो गई है, बैंड हो गई है फ्रॉम द फोकस एफ टू। ठीक है, ऐसे ही यहां पे ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और फिर बैंड हो गई किससे, फ्रॉम द फोकस एफ टू। तो यहां पे हम देख रहे हैं, अगर हम फिगर को देखें तो यहां पे देख रहे हैं कि जितनी भी रिफ्रेक्टेड रेज हैं वो क्या हो रही है, एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो जो पॉइंट है, वहां पे हम क्या सपोज करेंगे कि वहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जहां पे रिफ्रेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहां पे हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे जो हमारा एफ टू है पॉइंट, उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो हमारा जितनी भी रिफ्रेक्टेड रेज है वो क्या हो रही है, आके इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। तो यहां पे हमने सपोज क्या किया कि हमारा जो इमेज है वहां पे फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो एट इन्फिनिटी से हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा एट इन्फिनिटी पे है और वहां से जो रेज आई वो क्या हो रही है, वो क्या हो गई, बेंट हो गई टूवर्ड्स एफ टू, और F2 पे उन्होंने क्या बनाया, इमेज फॉर्मेशन किया। और अगर हम कंपेयर करें इस इमेज को कि इस इमेज का साइज क्या है, तो क्या है, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही स्मॉल इन साइज है, जो कि हम देख रहे हैं कि वो क्या है, एक पॉइंट ही है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, पॉइंट साइज कहा इमेज को। ठीक है, एज कंपेयर टू दी ऑब्जेक्ट के साइज के। ठीक है, दूसरी अगर नेचर की बात करें तो क्या है, वो रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना है, और रियल, रियल क्यों कहा हमने, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, लेंस के दूसरी तरफ है और जो इमेज बन रहा है उसके अपोजिट में दूसरी तरफ इमेज फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हमने उसको क्या कहा कि ये जो इमेज का नेचर है वो क्या है, रियल है, वो सेम साइड, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उस साइड पे वो नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट जो पॉइंट था वो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम वो फुलफिल हुआ है। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट जो है हमारा बियॉन्ड टू एफ वन अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो क्या होगा, उसको अभी हम करते हैं विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, यहां पे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ किया और ये इसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, इसमें से पास ऑन हुई प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा क्या है एफ वन, ये एफ टू, ये टू एफ वन और एफ टू हमारा यहां पे है और इक्विडिस्टेंस पे टू एफ टू। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, बियॉन्ड टू एफ वन, टू एफ वन के बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स उसके पहले। ठीक है, तो यहां पे टू एफ वन हमारा यहां पे है और उसके पहले हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट हमने उसका नेम दे दिया ए बी। ठीक है, अब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कहां बनना चाहिए, एफ टू और टू एफ टू के बीच में, मतलब यहां पे, यहां पे इमेज बनना चाहिए। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम की ये सही में बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां पे एक रे जा रही है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑप्टिकल सेंटर के, जहां पे ऑप्टिकल सेंटर है उससे मिडल, ये जो हमारा लेंस है वहां तक गई और उसके बाद क्या हो गई, बेंट हो गई टूवर्ड्स एफ टू, जो हमने रूल्स पढ़े थे। सेकेंड रे जो है वो क्या हो रही है, वो ऑप्टिकल सेंटर में से होके जा रही है
क्या हो रही है, सेम पाथ को फॉलो करती है, रिफ्रैक्टेड जब होती है सेम पाथ को फॉलो करती है। तो हम देख रहे हैं यहां पे एक पॉइंट हमने देखा जहां की दो रिफ्रैक्टेड रेस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां दो रिफ्रैक्टेड रेस इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। जब रिफ्रैक्टेड रेस क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहां पे इस पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वो इमेज यहां पे हमने डॉटेड में शो कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट का नेम था वो ए बी था, तो हम जो इमेज का नेम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, ए डैश बी डैश। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा था, बियॉन्ड एफ वन रखा था, एफ वन के पहले रखा था। तो जो उसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहां हुआ है, जो हमारा यहां पे एफ टू है, एफ टू और टू एफ टू के बीच पे बना है। यहां पे हमने बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू देखा कि वहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इमेज का जो साइज है वो क्या है, एज कम्पेयर टू अगर ऑब्जेक्ट की देखें तो वो क्या है, डिमिनिश्ड है, स्मॉल इन साइज है। इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है, इन दोनों को कंपेयर करने पे क्या हमें समझ में आ रहा है कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है, स्मॉल इन साइज है एज कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। और क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज का अगर नेचर देखें तो वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टा बना है इमेज, और वो क्या है, रियल है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में इमेज फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट को अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है और यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है उसका वो कहाँ हुआ है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हुआ है और बैक साइड ऑफ द जो हमारा यहाँ पे हम लेंस देख रहे हैं, लेंस के अपोजिट डायरेक्शन में जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मेशन हुआ है क्या, इमेज, ठीक है। ये इसका एपर्चर था यहाँ पे। तो अगर सेकेंड पॉइंट की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने वाले हैं, टू एफ वन पे, और उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा, टू एफ टू पे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर रहे हैं, ये उसका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर, उसमें से प्रिंसिपल एक्सिस निकला, ये एफ वन, ये टू एफ वन, एफ टू और ये टू एफ टू, ठीक है। और हमारा जो है ऑब्जेक्ट हम कहां रख रहे हैं, टू एफ वन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो उसका जो इमेज है वो कहां बनना चाहिए, टू एफ टू पे बनना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि वो इमेज टू एफ टू पे बन रहा है कि नहीं बन रहा, और कैसा होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम एक रे हमारी कहां गई, पैरेलल गई, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है ये, और किसमें से पास ऑन होगी, एफ टू में से पास ऑन होगी, ठीक है। और अगर हम देखें सेम साइज का, तो यहां पे हमारा सेम साइज का कहां ड्रॉ होना चाहिए, यहां पे इस पॉइंट पे ड्रॉ होना चाहिए, और क्या है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, मतलब उल्टा ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पॉइंट इसलिए ड्रॉ किया जिससे कि हमारा ये इमेज सही से ड्रॉ हो, ठीक है। यहां पे जो है एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से होके जाएगी यहां पे, पहले उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी जो रे है वो क्या होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही थी, और वो किसमें से पास ऑन होगी, यहाँ पे फोकस जो है फोकस में से पास ऑन होगी, और ये दोनों जो है मीट करेंगे कहाँ पे, एक पॉइंट पे मीट करेंगे, वो पॉइंट हमारा क्या होगा, ठीक है, यहाँ देखेंगे ये पॉइंट हमारा ये, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसका साइज और यहां पे जो इमेज का साइज है वो क्या है, सेम है, ठीक है। एक एक जो रे थी वो कहां गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और वहां से रिफ्रैक्ट हो गई फ्रॉम द फोकस एफ टू।
दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से गई और रिफ्रैक्ट हुई, सेम पाथ को फॉलो किया, और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहां पे क्रॉस आउट हुई है वहां पे क्या बनेगा, हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, और वो इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, एफ टू पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट का नेम हमने ए बी रखा, और यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट जो है उसमें क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, एफ वन और टू एफ वन के बीच में रख रहे हैं, तो हमारा इमेज कहां बनेगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू जो हमारा थर्ड पॉइंट है, टू एफ वन पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है और इमेज फॉर्मेशन टू एफ टू पे हुआ है, सेम साइज है दोनों का, ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम साइज है, रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टा बना है, और जो हमारा लेंस है लेंस के दूसरी तरफ बना है, इसलिए उसको हमने क्या कहा, रियल कहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थर्ड पॉइंट जो हमारा था उस पर फुलफिल हुई है। अब हम फोर्थ वन कर रहे हैं, फोर्थ वन में क्या है हमारा कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखने वाले हैं, एफ वन और टू एफ वन के बीच में रखेंगे, तो क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पे एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू। ठीक है, और यहां पे ये एम एन जो है उसका अपर्चर हो गया। अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं, बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन, एफ वन और टू एफ वन के बिटवीन में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हमने ऑब्जेक्ट ए बी रख दिया। ठीक है, अब जो है क्या हो रही है, वो यहां पे देखेंगे कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई और फोकस में से बेंट हो गई। ठीक है, ऐसे ही एक रे जो है वो क्या कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है और क्या हो रही है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर में से होके गई और सेम पाथ को फॉलो करेगी। फर्स्ट रे हमारा ये था जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया था और किसमें से होके गया, फोकस में से होके गया, रिफ्रैक्ट हुआ, और सेकेंड रे हमारा क्या है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से होके जा रही है इंसिडेंट रे और वो रिफ्रैक्ट भी सेम पाथ को फॉलो कर रही है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे दो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कहां पे क्रॉस आउट हो रहे हैं, यहां पे इस पॉइंट पे, तो यहां पे हमारा इमेज क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहां पे हमारा क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया। और जिसको हमने क्या नाम दिया, ए डैश बी डैश। इस इमेज की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट की साइज से, इस साइज इसका साइज क्या है, एनलार्ज है, बड़ा है, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, जो ऑब्जेक्ट इमेज का साइज होगा वो क्या होगा, एनलार्ज बनेगा जब हम कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन, तो उसका जो है वो कहां बना है इमेज, उसका टू एफ टू पे, बियॉन्ड टू एफ टू। तो हम देख रहे हैं F2 के बियॉन्ड बना है, मतलब बाद में बना है यहां पे, तो बियॉन्ड 2F2 हो गया। और ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होगा कि वो क्या होगा, अगर साइज की बात करें तो वो एनलार्ज बनेगा, और जो नेचर की बात करें तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड, उल्टा बना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है और उसका जो इमेज ड्रॉन हुआ है वो कहां हुआ है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए जो ये हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट का, जो इमेज बना वो कहां बना, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए यहां पे क्या हुआ है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेड कह रहे हैं, और लेंस के दूसरी तरफ बना है इमेज, इसलिए हमने उसको क्या कहा है, रियल कहा है। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं जो हमारा फोर्थ पॉइंट था वो भी हमारा क्या हो गया है, फुलफिल हो गया है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, हमने रे डायग्राम के थ्रू उसको अंडरस्टूड किया जो कि फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट वो हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एट फोकस एफ वन,
अगर F1 पे रखें ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, ठीक है। यहां पे हमारा O ऑप्टिकल सेंटर है, F1, 2F1, F2, 2F2, ठीक है। अब हम सपोज करें कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, F1 पे रखा है, ए भी हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, उसको हमने F1 पे रखा तो क्या होगा, उसको डिस्कशन कर रहे हैं अब हम। यहां पे देखेंगे कि एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली गई और वो फोकस में से होके चली गई, एट मिडल तक वो क्या गई है, पैरेलल गई है, और उसके बाद क्या हो गई है, डेविएट हो गई है, और हम कह सकते हैं बैंड हो गई है और फ्रॉम दी फोकस चली गई, ठीक है। दूसरा रे देखेंगे वो क्या हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास ऑन हो रही है और ऑप्टिकल सेंटर में से पास ऑन हो रही है और वो सेम पाथ को ही फॉलो कर रही है, ठीक है। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई थी और वो पेंट होके फोकस में से गई, और जो दूसरा रिफ्रैक्ट हुई है वो कैसे हुई है, इंसिडेंट हुई थी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और रिफ्रैक्ट भी सेम पाथ को फॉलो कर रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो है काफी दूर जाके क्या होंगी, ये आपस में मीट आउट हो जाएंगी। तो हम सपोज करेंगे जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां होगा, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्मेशन होगा। और हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, एट F1 रखा था, तो यहां पे फोकस F1 पे अगर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज उसका कैसे फॉर्मेशन होता है, एट इन्फिनिटी होता है। और अगर साइज की बात करें ऑब्जेक्ट की साइज की, इमेज की साइज की, ऑब्जेक्ट के इमेज की साइज की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, वो हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, क्योंकि यहां पे साइज हम देख रहे हैं और यहां पे अगर इमेज फॉर्मेशन होगा तो वो काफी बड़ा बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, उल्टी डायरेक्शन में बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा इमेज, तो हमने उसको क्या कहा, इन्वर्टेड कहा। और रियल क्यों कहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ है और इमेज फॉर्मेशन लेंस के दूसरी तरफ हो रहा है, इसलिए हमने उसको क्या कहा कि वो रियल बनेगा, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारी ये हो गई, जो हमारी कौन सी थी, फिफ्थ वन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, जो हमारा लास्ट कंडीशन है 6 नंबर, उसको हम करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, ये F1, टू F1, F2, टू F2। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। तो हमने सपोज किया, हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, यहां पे, ठीक है, ए बी। और अब हम देखेंगे कि इसका इमेज कहां ड्रॉ होता है, ठीक है। तो यहां पे हम सपोज कर रहे हैं कि एक इंसिडेंट रे क्या हो रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है और एट द मिडल ऑफ लेंस के बाद वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द F2, ठीक है। ये हमारा इंसिडेंट रे, ये रिफ्रेक्टेड रे हो गया, ठीक है। सेकंड जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि वो
एक रे जो है कहां से पास ऑन हो रही है, फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये सेम पाथ को फॉलो कर रही है। यहां हम देख रहे हैं जो रिफ्रेक्टेड रे है, एक रे तो इधर जा रही है और एक फार अवे फ्रॉम द प्रीवियस वन जा रही है। तो ये आपस में यहां पे मीट नहीं कर सकती क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या जा रही है, फार अवे जा रही है, ठीक है। तो जब अगर यहां पे मीट नहीं करेंगे तो हमारा इमेज कहां फॉर्मेशन हो, ठीक है। अगर इसके दूसरी तरफ हम यहां पे देखें, ठीक है, इस रिफ्रेक्टेड रे को अगर हम यहां पे एक्सटेंड करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों अगर एक्सटेंड किया जाता है तो ये कहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है, इस साइड में, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां रखा गया है उसी के दूसरी, उसी के सेम साइड में यहां पे हम देखेंगे कि ये जो रिफ्रेक्टेड रे है ये क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस आउट कर रही है। तो हम सपोज करेंगे हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहां हो रहा है, एट द सेम साइड हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का नेम ए बी था, इमेज का नेम क्या होगा, ए डैश बी डैश। और हम देख रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट वो क्या है, साइज एंड लार्ज है। तो यहां पे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिक्स्थ है नंबर, उसमें क्या है कि बिटवीन फोकस एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस एफ वन के बीच में रखा, तो जो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां हो रहा है, ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को रखा गया है लेंस के जिस साइड पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है उसी साइड पे उसका इमेज फॉर्मेशन होगा, वो हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रे डायग्राम, वो उसी सेम डायरेक्शन में, और कह सकते हैं हम कि सेम साइड में लेंस के इसी तरफ ऑब्जेक्ट में रखा गया है और इसी तरफ इमेज भी फॉर्मेशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट के इमेज का साइज क्या होगा, एंड लार्ज होगा, वो हम देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट का साइज है और जो इमेज का साइज है उन दोनों के कंपेयर करें तो इमेज का साइज क्या है, एनलार्ज है। और क्या देखेंगे हम, ये क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, और इरेक्ट, इरेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है। और वर्चुअल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेम साइड ऑफ द लेंस बन रहा है, जिस साइड पे हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बना है, मीन्स की सेम साइड में दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्म हुए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने जिस साइड पे रखा उसी साइड पे इमेज फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इस इमेज को हमने क्या कहा, वर्चुअल कहा, ठीक है। और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बने हैं दोनों, जो हमारा इमेज है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बना है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, इरेक्ट कहा, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा था, इसलिए उसको हम क्या कह रहे थे, इन्वर्टेड कह रहे थे। बट इस केस में हम देख रहे हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बना है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, इरेक्ट कहा है, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे टेबल के पॉइंट्स हैं वो सारे फुलफिल हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस रे डायग्राम, ओके। तो यहां पे हमारा जो है ये सेशन ओवर कर रहे हैं हम, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके लिए, कि इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस कैसे होगा। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय एवरीवन।